और मेरे रेफरेंस से अगर कोई आया कि कम करें थोड़ा सा, हो सकता कर दें, हो सकता नहीं बताएं क्योंकि लोग देख कर आएंगे, हो सकता कर दें, नहीं नहीं हो सकता नहीं, आप सही बात बताएं, बोले इंशाल्लाह कोई आएगा तो कॉल करेगा, आप 10 से 12 बोल रहे तो आप 10 फिर कीजिएगा फाइनल, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं जो मौसमी का साई निकलते हैं इनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो रेटों पे चलते हैं, जो मिल गया वो काट लिया, काट दिया, वो भी परदेश से आते हैं रोजी रोजगार के लिए आते हैं, सही। और जानवर अक्सर खराब भी करके चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, कम पैसों में करेंगे लोग, थोड़े पैसे कम करवाने के लिए जानवर का भी सत्यानाश करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि बकरीद की तैयारियां अरूज पर हैं, जानवर खरीदे जा रहे हैं और मंडियां सज चुकी हैं और जानवर ला रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कसाईयों का, कसाई कहाँ से ढूंढे और अच्छे कसाई कहाँ से ढूंढे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, कसाईयों के क्या रेट चल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी, तो मेरे साथ मेरी वीडियो में रहिएगा। अच्छा जी ये भाई साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये भी कसाई हैं, आप देख सकते हैं पाए कटिंग हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। ईद की तैयारी अरूज पर है तो कोई बुकिंग वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं हमारे पास पहले से बुकिंग होती है। पहले से बुकिंग होती है? एक साल पहले से? नहीं नहीं जैसे 2-3 महीने पहले आना शुरू हो जाता है। आना शुरू हो जाती है तो बुकिंग फुल है। एक दिन में कितने जानवर कटिंग होते हैं? कम से कम 15 से 20। 15 से 20 हो जाते हैं, कर लेते हैं। क्या रेट चल रहे हैं बड़े जानवर के? बड़े जानवर के कम से कम 30,000। 30,000 चल रहे हैं? 25 से 30,000। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बहुत ज्यादा आप बता रहे हैं लोगों को, तो जानवर इतनी मुश्किल से खरीदे हैं आजकल, वैसी मंडी बहुत हाई रेट चल रहे हैं जिनके नॉर्मल जानवर होंगे, जैसे आवाम के पास पैसा है वैसी खरीद रहे हैं, वैसे ही आप लोग उनको देख कर रेट लगाते हैं, जान को माल को देख कर रेट बताते हैं। बड़ा बहुत बड़ा जानवर होगा जैसे उसके 50,000 भी होंगे, 40,000 भी होंगे। 50,000 ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, जानवर भी तो ऐसी होगा 5 लाख का। 5 लाख का जानवर, जैसे 5 लाख का जानवर होगा डेफिनेटली बड़ा ही होगा, उसके 50,000। 5 लाख पाओ 6 लाख पाओ सही, और 1-1.5 लाख का जानवर होगा तो उसके क्या होंगे? 20 से 25,000 पूरा गोश्त पोत बनाने के बाद सब कुछ सही। और बकरे के क्या रेट होंगे? बकरे के 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 6,000 जैसा। 6,000 ठीक है, ठीक है। नॉर्मल छोटे से छोटा कितने का होगा? 6,000 सब कुछ उसी में कर देंगे। 5,000-6,000 सही सही। तो ईद के हवाले से लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बकरीद आ रही है, कोई अच्छा सा पैगाम, कोई अच्छी सी बात? अच्छे कारीगर से काम करवाएं। पैगाम ये देना चाहेंगे कोई अच्छे कारीगर से काम करवाएं, अपने पैसे ज़्यादा नहीं करें, जैसे चोर चमार आ जाते हैं पंजाब से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भंगी आ जाते हैं, जिनको नहीं काटना नहीं आता, काटना आता है झाड़ू लगाने वाले हैं, रोड की मलबा समेटने वाले हैं, वो काटना शुरू कर देते हैं पैसों के लिए, ना कटवाए पैसों के लिए, पैसों के लिए वो 5,000-3,000 भी काट देते हैं, माल की रेल लगाए, जानवरों को भी अजियत देते हैं, जानवरों को भी अजियत देते हैं, उनको ना कावा पता है ना चावा पता है, ऐसी काट देते हैं, ऐसी काट देते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, बड़े से बड़ा जानवर होता है जो बहुत गुस्से में होता है, उसको काबू करने का कोई तरीका कैसे करते हैं? रस्सी से टांगे बांधते हैं और फिर गिराते हैं सही। और जो शरीफ जानवर होता है वो ऐसे ही गिर जाता है, वो ऐसे ही गिराता सही है। तो आपने बड़े जानवर के 50,000, इससे कम नहीं होंगे उसके रेट? जो जानवर 5-6 लाख रुपए का है उसके 50,000, उसके 50,000। अच्छा आप अपना नंबर बताना चाहेंगे अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करे? 0312-22-91-656। ठीक है जी, ये वकास, वकास है नाम इनका, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर जरूरत हो आपको तो। ये बाकायदा कसाई हैं, आप कितने अर्से से काम कर रहे हैं? 20 साल से ये काम कर रहे हैं। और ये क्या एक्सपीरियंस है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। ईद के हवाले से बताएं, आज की वीडियो मैं बना रही हूँ लोगों के लिए कि कसाई की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जानवरों का पहले तो एक ही तैयारी हो रही थी, तो मुझे ये बताएं रेट क्या चल रहे हैं बड़े जानवर के, काटने के कितने ले रहे हैं आप लोग? 5 लाख रुपए का जानवर है, कम से कम उसके 40,000 रुपए। 40,000 ठीक है, और उससे छोटा जानवर अगर हुआ? छोटा जानवर होगा तो 15,000-20,000। बैल की कर देंगे आप 15,000? गाय बछिया, बैल तो भारी होता है, बड़ा होता है। गाय और बछिया की आप करेंगे, ठीक है। और छोटा जानवर उसका क्या? बकरे के 8,000 रुपए। 8,000 रुपए अगर भारी होगा, और नॉर्मल सा होगा छोटा बकरा होगा तो उसके कितने हैं? कुछ लोगों के लिए मुनासिब करेंगे? वो वक्त करते हैं, वक्त काम नहीं होता तो कर देते हैं। काम नहीं होता भी है आपके पास? काम काम बहुत माशाल्लाह। बुकिंग कब से स्टार्ट होती है आप लोगों की? हमारे यहाँ बुकिंग शुरू है। शुरू है बुकिंग, सही है। तो आप अपना नंबर बता दें अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे। 0317
12-23-581। सही, आप अपना नाम भी बता दें। नासिर महमूद। सही, नासिर महमूद साहब, इनका नंबर क्या बताओ? नासिर चिट्टा। अच्छा जी, नासिर चिट्टा या नासिर गोरा, इनका नंबर मैं ऐड करूंगी स्क्रीन में, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अपना जानवर ज़िबा करवाना है। अच्छा मुझे ये बताइए, लियाकतबाद सुपरमार्केट। अच्छा आप यहीं पे होते हैं सुपरमार्केट में। अच्छा मुझे ये बताइए, जो मौसमी कसाई निकलते हैं इनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो रेटों पे चलते हैं, जो मिल गया वो काट लिया, काट दिया। वो भी परदेश से आते हैं, रोजी रोजगार के लिए आते हैं। सही, और जानवर अक्सर खराब भी करके चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, कम पैसों में करेंगे लोग, थोड़े पैसे कम करवाने के लिए जानवर का भी सत्यानाश करवा देते हैं क्योंकि उनको अजियत होती है। जानवर तो ऐसे कटना चाहिए कि उसे पता भी ना चले। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह करे ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि बकरीद आ रही है और बकरीद आती है उससे पहले एक डेढ़ हफ्ता पहले से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है ज़िबा करवाने के लिए जानवर, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी के इस साल के रेट क्या चल रहे हैं बड़े जानवर के, बैल के? बैल एक अलग चीज होती है। बछिया के? बछिया के 20,000 से 25,000 रूपए तक के, बैल के कम से कम 40 से 50,000 रूपए तक के। 40 से 50,000 बैल के? सही, जो बछड़े होते हैं उसके आप कह रहे हैं? बछड़े के 25,000। सही, और उससे छोटे जानवर जो बकरा वगैरह, छोटे जानवर के होते हैं 5,000 से लेके 7,000 रूपए तक, 5 से 7,000 जी, इससे कम नहीं होंगे? छोटे जो छोटे बकरे होंगे, छोटे बकरे हो या बड़े बकरे हो, सबके 5,000 रूपए। सही, तो कितना टाइम लगता है एक जानवर गिरा के उसे पूरा मुकम्मल तैयार करने में? आधा घंटा एक घंटा बस, आधे से एक घंटा। अच्छा आप कितनी बुकिंग करते हैं, कितनी ज्यादा बुकिंग आप कर लेते हैं और कितने जानवर गिरा लेते हैं पहले दिन? पहले दिन अल्लाह का शुक्र है 10-12 गिराते, 3 बंदे होते हैं, 3 बंदे होते हैं, 10-12 जानवर गिराते हैं और उसको मुकम्मल गोश्त बना के देते हैं। अच्छा पहले दिन के आपने रेट बताए, दूसरे दिन के रेट आप मुझे बताएं, बड़े जानवर के भी छोटे दिन के? 10,000-12,000 बकरे के, 500, 5,000 और 6,000 दूसरे दिन के। सही, तो इससे कम नहीं होंगे बिल्कुल? और मेरे रेफरेंस से अगर कोई आया कि कम करें थोड़ा सा, हो सकता कर दे? हो सकता नहीं बताएं क्योंकि लोग देख कर आएंगे, हो सकता कर दे? नहीं हो सकता नहीं, आप सही बात बताएं। बोले इंशाल्लाह कोई आएगा तो कॉल करेगा, आप 10 से 12 बोले तो आप 10 फिर कीजिएगा फाइनल, ठीक है? 10 बकरे के 4,000 करेंगे आप दूसरे दिन के, ठीक है? दूसरे दिन के 4,000। आप लोगों को मैंने कसाईयों के जो रेट चल रहे हैं अभी उसकी अपडेट देने की कोशिश की है और कुछ तो बहुत हाई रेट बता रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आती हूँ इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।